मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको हमारा एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे हो कि हर जगह कैशलेस पेमेंट हो रहा है। दोस्तों, कैशलेस पेमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। देखिए, आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ने भी आप लोगों को 0.75% का जो है डिस्काउंट दे रखा है। आजकल आप देख भी रहोगे कि मोदी ने जो स्कीम चलाया हुआ है कि जीतने वाले को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा, 15 टॉप विनर को ये इनाम मिलेगा, उसका ये हो जाएगा वगैरह वगैरह एंड सो मैनी मोर थिंग्स। तो ये कैशलेस पेमेंट होती क्या है, इसको कैसे करते हैं, चलिए आज हम उसको देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पेटीएम नाम का एक ऐप तो सुना ही होगा। हर दुकान के सामने आजकल आप देखते भी हो पेटीएम का बारकोड लगा होता है और वो पेटीएम से आप लोगों का ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट भी करते हैं। तो बड़े बड़े शॉपों पे आप जाते हो, वो भी पेटीएम को एक्सेप्ट करते हैं। आप ऑटो ले लीजिए, किसी कहीं आपको छोटे सफर पे भी जाना है तो ऑटो रिक्शे वाले भी आजकल पेटीएम का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि किरानों की दुकानों पे भी आप लोग पेटीएम के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो आज हम यही सीखेंगे पेटीएम से कैसे हम अपना कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको वहाँ पर टाइप करना है पेटीएम, PAYTM। जैसे ही आप पेटीएम टाइप करते हो तो सबसे टॉप पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कर लेना। एक्चुअली क्या है, पेटीएम को अब RBI के लाइसेंस मिलने वाला है और ये डिजिटल बैंक बनने वाला है जैसे RBL। तो चलिए दोस्तों, आपको इंस्टॉल करने के बाद देखिए दोस्तों करना है क्या है, आपको सिंपली इसे ओपन करना है। अब ये मैंने ओपन कर दिया है। एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को वहां पर दिखाई देगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको इसमें लॉगिन करना होता है। देखिए दोस्तों, आपको इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, होम प्रोफाइल और माय वॉलेट। तो होम प्रोफाइल पे जाना होता है, वहाँ पर आपको लॉग इन टू पेटीएम करना होगा। जैसे ही आप लॉग इन टू पेटीएम पे क्लिक करते हो, आपको वहाँ पर ईमेल आईडी और पेटीएम का पासवर्ड डालना होगा। अगर आप लोगों ने इस पे लॉग इन नहीं किया हुआ है तो आप अपना साइनअप करना। साइनअप करने के बाद अपना पेटीएम पे अपना अकाउंट क्रिएट करना। तो जो मोबाइल नंबर आप अपना डेली यूज करते हो उसको यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, एक मोबाइल नंबर 7668799362 और माय ईमेल आईडी इज लाइक दिस। मैं अपनी एक फेक ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, wcg.ngo@gmail.com। ओके, यहाँ पर आपको कोई भी एक पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड आप लोगों को ध्यान रखना होगा, सिंपली आप साइन अप कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप करते हो तो ये एक आपको OTP सेंड करता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने डाला था, डायल किया था। और देखिए दोस्तों, मेरे पास वो OTP आ चुका है, मैं उस OTP को यहाँ पर डाल रहा हूँ, 551862। एक मिनट, 551562। ओके, मैंने डन कर दिया है। देखिए दोस्तों, वो आ चुका है यहाँ पर। अब वो हमसे थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो आप किस नाम पर इसे बना रहे हो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दीजिए। लाइक मैंने यहाँ पर डाल दिया लाइक पी डिजिटल। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना होगा, उसके बाद आपको जस्ट कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि जिस नंबर से मैंने इसको रजिस्टर्ड किया था ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए ये एरर आ रहा है यहाँ पर। तो इतना ही आपको करना है, ये नंबर मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये दिखाने के लिए जस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। आपको साइनअप में सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है जैसा मैंने अभी किया था,
लॉगिन करते हैं, मैं आपको लॉगिन करके डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। लॉगिन जब आप यहाँ पर करोगे तो अपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जिससे भी आपने साइनअप किया था वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है आईडी और पासवर्ड डालकर। तो इस तरह का इंटरफेस आपको लॉगिन करने के बाद दिखाई देगा, पे एड मनी पासबुक एक्सेप्ट पेमेंट नियर बाय। नियर बाय में दोस्तों क्या होता है कि ये आपको लोकेशन यानी सर्विसेज दिखाता है कि जीपीएस आपको एनेबल करना है तो ये आपको तुरंत बता देगा कि कहाँ कहाँ पर पेटीएम आपका एक्सेप्ट हो रहा है। देखिए इसमें और क्या क्या ऑप्शन आते हैं, रिचार्ज ऑप्शन, शॉप कैशलेस ऑप्शन, शॉप ऑन द पेमेंट, इनक्रेडिबल शॉपिंग ऑफर्स। बहुत से इसमें रिचार्ज हैं आपके पास, चाहे रिचार्ज ऑफ द पे बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर स्कैन कोड का भी ऑप्शन होता है। जैसे आप लोग कई बार शॉपिंग मॉल पर जाते हैं और वहाँ पर बार कोड लिखा होता है तो आप स्कैन कोड पर क्लिक करके आप यहाँ से भी स्कैन कर सकते हो। आप किसी भी मोबाइल नंबर पर मनी सेंड कर सकते हो, मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए जितना भी आप उसको वहाँ पर सेंड करना है, अमाउंट डाल दीजिए जितना भी अमाउंट आप इस नंबर पर सेंड करना चाहते हो। यहाँ पर आपको जो भी रिमार्क्स डालना है वो रिमार्क डाल दीजिए, उसके बाद जस्ट आपको सेंड पर क्लिक करना है। ओके तो तुरंत उस मोबाइल नंबर पर ये आपका अमाउंट पहुंच जाएगा। शो कोड, ये शो कोड लाइक जैसे आप किसी शॉप मॉल पे जाते हैं तो वहाँ पर बार कोड लगा होता है, ये शो कोड आपका बार कोड उसे स्कैन करेगा जिससे पेमेंट हो जाएगा। आप किसी से पेमेंट की रिक्वेस्ट आती है तो आप उस रिक्वेस्ट को यहाँ से एक्सेप्ट भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों अब अपने अकाउंट में ऐड मनी कैसे करते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी अमाउंट आपको ऐड करने हैं आप वो यहाँ पर डाल दीजिए, उसके बाद ऐड मनी पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट योर पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। जिस भी बैंक अकाउंट से आप वो अमाउंट पेटीएम में डालना चाहते हो आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा यहाँ पर एक कार्ड सेव्ड है, सेव्ड का पेटीएम कार्ड नंबर डालना होता है, पिन नंबर डालना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर जस्ट सीवीवी नंबर डालना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ करना है। जस्ट जितना भी अमाउंट आप अपने इस अकाउंट में डालना चाहते हो वो अकाउंट आपका यहाँ इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। चलिए दोस्तों और मैं आपको बताता हूँ, पासबुक में ये आपको बताता है कि कितने का आपने रिसेंटली क्रेडिट और डेबिट हुआ है, कितना अमाउंट आपके पेटीएम में ऐड हुआ है क्रेडिट हुआ है, कितना अमाउंट आपने पेटीएम से डेबिट किया है। पेटीएम में आए हुए अमाउंट से आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, लाइक कोई मूवी टिकट बुक करना है, बस टिकट बुक करना है, फ्लाइट टिकट बुक करना है, ट्रेन की टिकट आप बुक कर सकते हो, शॉप कर सकते हो, इवेंट्स वॉचिंग शॉपिंग वाउचर ले सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी ऐप है, आप ज़रूर इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिएगा। इसके अलावा आप पेटीएम का कस्टमर केयर नंबर भी जान सकते हो, इसको मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और इसमें जो भी अच्छे अच्छे ऑफर चल रहे हैं उसके भी मैं आपको लिंक इसमें डाल दूंगा, जिनका यूज़ करके आप काफ़ी डिस्काउंट इसमें कैशबैक का पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पेटीएम का यूज़ कर पाओ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके दोस्तों बाय, गुड डे, टेक केयर।